पटना से एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है। महागठबंधन की बैठक पटना में चल रही थी, जो अभी अभी समाप्त हुई है। तेजस्वी यादव ही राजद के नेता रहेंगे, ये बयान आया है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। अभी उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते, तेजस्वी यादव ही हमारे नेता हैं। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता का ये बयान आ रहा है कि चुनाव के बाद हम सोचेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। उसी जगह पे फिर उपेंद्र कुशवाहा, हम और जीतन राम मांझी का ये ऐसा बयान आ रहा है कि लालू नहीं तो शरद यादव ही सही। यानी कि दूसरी पार्टियां और जो महागठबंधन के साथ शामिल होंगी, उनके नेता वो शरद यादव को मान रहे हैं कि जब तक लालू जी भीतर हैं, हम शरद यादव को अपना नेता मानते हैं। बाहर आगे चलते हुए चुनावी परिदृश्य भी बदलेंगे और हम इस घड़ी का इंतजार करेंगे। नेशन भारत की आंखें गड़ी रहेंगी कि आखिर महागठबंधन में चुनाव के पहले कोई नेता बनेगा या चुनाव के बाद नेता चुना जाएगा, जैसा कि कांग्रेस के खेमे से खबर आ रही है। मैं नेशन भारत से मनोज चतुर्वेदी, पटना। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।